हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रौनक पुरानी कोचिंग। तो आज आप स्टार्ट करीशू धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 जेनु नाम है रासायणिक बंधन एट्ले कि केमिकल बॉन्डिंग। बराबर, तो आज चैप्टर है चैप्टर 4, ये तमारा JEE ने नीट मैं सौथी इम्पोर्टंट चैप्टर है। बराबर, धोरण 11 लई लो कि धोरण 12 लई लो, सौथी वधु जे क्वेश्चन आवे छे ए सामाथी आवे छे केमिकल बॉन्डिंग एट्ले कि रासायणिक बंधन मांथी आवता होय छे। बराबर, अने आ जे चैप्टर है फक्त 11th 12th माटे ज नहीं परंतु आखा केमिस्ट्री माटे पण केवू छे, आखो जे केमिस्ट्री सब्जेक्ट छे जे तमे आगळ पण भणशो एना माटे एकदम बेजिक नी वस्तु है। ख्याल आयो? अने खूब ज वधारे कॉन्सेप्ट अहींया आवशे, तो दरेके दरेक कॉन्सेप्ट ने समझजो, जे पण कन्फ्यूजन होय एनु सॉल्यूशन लावानो ट्राय करजो। बराबर, कन्फ्यूजन में आगळ ना जता नहीं तो बहु तकलीफ पड़शे, तमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पण आनो यूज थशे। ख्याल आयो? तो आपणे स्टार्ट करीए छीए चैप्टर रासायणिक बंधन। एनी अंदर तमारे शुरुआत में केटलाक टॉपिक छे के रासायणिक बंध केम बने छे। बराबर, कॉसेल लुइस नुं जे अभिगम छे ए शू छे। बराबर, तो ए बधी आपणे चर्चा नहीं करता, एकदम इजी वस्तु छे। बराबर, इंट्रोडक्शन टाइप। तो आपणे चर्चा करीशुं मोस्ट इम्पोर्टंट टॉपिक जे छे लुइस बिंदु रचना। बराबर, शू छे लुइस बिंदु रचना? इम्पोर्टंट छे, आमांथी क्वेश्चन पूछाता हो। तो टॉपिक मारी आपणे लुइस बिंदु रचना। तो आ समझ्या पहेला थोड़ाक आपणे कॉन्सेप्ट खबर होवी जोईए। एक छे अष्टकनो नियम, बराबर, ए ख्याल होवो जोईए, अने बीजुं छे संयोजकता एटले शुं। बराबर, तो सौथी पहेला आपणे जोईशुं अष्टकनो नियम शुं छे। अष्टकनो नियम तमे बधा जाणो छो के जे निष्क्रिय वायु होय छे एनी रचना केवी होय छे? NH2NP6। ओके, निष्क्रिय वायु की रचना एटले के 18मो समूह याद करो केवी होय छे? निष्क्रिय वायु एनी रचना केवी होय छे? तो सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना होय छे एनी NH2NP6। बराबर, दाखला तरीके उदाहरण लई लईए आपणे नियोननुं। तो नियोननी अंदर केटला प्रोटोन होय अथवा तो एनो परमाणवीय क्रमांक केटलो होय छे नियोननो? 10। तो सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना शुं थशे? 1s2 2s2 2p6। ओके, आर्गोन नी लई लईए आपणे, आर्गोन एटले 18, इलेक्ट्रॉन रचना शुं आवशे? नियोन, देन 3s2 3p6। आ जे तत्व छे नियोन ए कया समूहनुं तत्व छे? तो ए छे आपणो बीजा आवर्तनुं तत्व छे, अने आर्गोन केवुं छे? ત્રીજા આવર્તનું તત્વ છે। બરાબર, જો બીજા આવર્તનું છે એટલે શું આવે? 2s2 2p6, રાઈટ? ત્રીજા આવર્તનું છે તો શું આવે? 3s2 3p6। નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન, ઓકે, ક્રિપ્ટોન માટે શું આવશે? 4s2 4p6, પછી 5s2 5p6। ખ્યાલ આવે છે? આ બધું તમારે જોવું હોય તો આવર્ત કોષ્ટકવાળું ચેપ્ટર નંબર 3ના વિડીયો જોવા પડશે, તો વધારે ક્લિયર થશે। તો અહીંયા આપણે શું સમજાવવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ? તો અહીંયા જે નિષ્ક્રિય વાયુઓ છે એની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે? NH2NP6 દેખાય છે, N વધતો જાય છે, તો N શું છે? બરાબર, ખ્યાલ હોવો જોઈએ તો પણ બતાવી દઈએ આપણે અહીંયા N બરાબર શું થાય? N બરાબર થાય મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક। બરાબર, અને મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક શું બતાવે છે? તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક દર્શાવે છે કક્ષા। શું દર્શાવે છે ભાઈ? કક્ષા દર્શાવે છે। તો અને એ કેવો હોય, એની વેલ્યુઝ કઈ હોય? તો એની વેલ્યુઝ હોય છે 1 2 3 એન્ડ 4। ચલો, આટલી વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ। ઓકે, તો આ 1 શું છે? મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક કીધું ને આપણે, 1 2 3 કોણ દર્શાવે? મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક। તો 1 શું છે? મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક। 2 શું છે? મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક। 2 શું છે? મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક, એટલે કે કક્ષા। ઓકે, અને કક્ષામાં પણ બહારની કક્ષા એમાં આપણો રસ છે। સામાં રસ છે બહારની કક્ષામાં। તો નિયોનનું સ્ટ્રક્ચર જ્યારે આપણે ડ્રો કરીશું તો એ કેવું દેખાશે? આ રીતેનું 1s2 2s2। ક્લિયર? આ કઈ કક્ષા છે? 1s, જ્યારે આ કઈ કક્ષા છે? 2s2, અને આ કઈ છે? 2p6। બરાબર, તો બીજા નંબરમાં બે ઇલેક્ટ્રોન એસ કક્ષકના હશે અને બીજા નંબરની કક્ષામાં પીના 6 ઇલેક્ટ્રોન હશે, તો ટોટલ
बीजा नंबर की कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन के थी गया, बीजा नंबर की कक्षा में एस ना बे, बीजा नंबर की कक्षा में पी ना छ, तो टोटल थी गया 8 इलेक्ट्रॉन। बराबर, एटले आपणे कहीए छीए निष्क्रिय वायुओनी बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन होय छे, 8 इलेक्ट्रॉन होय छे। खेलाई गयो। अने बाह्यतम कक्षा कोने कहेवाय, कोनाथी खबर पड़शे, तो सौथी मोटो जे क्वांटम आँख होय, सौथी मोटी जे कक्षा होय ए केवी थाय, बाह्यतम कक्षा थाय। अहींया स्टूडेंट भूल करे छे, बाह्यतम कक्षा तरीके खाली छेल्लाना ज लए छे, एटले के 2p6 न लए छे, एने नहीं लेवानुं। बाह्यतम कक्षा कोनाथी खबर पड़शे, नंबर थी खबर पड़शे, जे आगळनो नंबर छे ने ए, खेलाई गयो। तो आ बन्ने आवशे बाह्यतम कक्षा, आ बन्ने आवशे बाह्यतम कक्षा, खेलाई गयो। तो आ वस्तु इम्पोर्टंट हती। तो हवे जोईए आपणे अष्टकनो नियम शुं कहे छे। तो दरेक परमाणु पोतानी बाह्यतम कक्षामां बाह्यतम कक्षा नु बीजू नाम छे संयोजकता कक्षा। पोतानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन परमाणु पोतानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन धरावानु वलण दर्शावे छे। बराबर, मतलब दरेक परमाणु एवो ट्राय करे छे कि हूँ पण मारी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करी लो। बराबर, अने केवो थई जाऊँ, स्थायी थई जाऊँ। तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होय तो एने केवुं कहेवाय, स्थायी कहेवाय। अने एने केवुं कहेवाय, स्थायी थवानो प्रयत्न करे छे। तो आ थई गयो अष्टकनो नियम। ज्यारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मेळवी लेशे अथवा तो करी लेशे ત્યારે કેવો થઈ જશે, સ્થાયી થઈ જશે। અને દુનિયામાં દરેક વસ્તુ કેવું વલણ ધરાવે છે ભાઈ, સ્થાયી થવાનો તો ગુણધર્મ ધરાવે છે। બરાબર, અને દરેકે દરેક વસ્તુ સારી બનેલી છે, પરમાણુની બનેલી છે, તો પરમાણુ પણ કેવો ગુણધર્મ ધરાવે છે કે ચલના ભાઈ આપણે બી શું થઈ જઈએ, સ્થાયી થઈ જઈએ। તો આ વસ્તુ છે, ખ્યાલ ગયો કેવી રીતે, તો આપણે સમજીશું। એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ આપણે અહીંયા, ચલો સોડિયમ, સોડિયમનો નંબર કયો આવશે, 11। इलेक्ट्रॉन रचना लखाओ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। चलो कौन कहसे बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा क्या थी खबर पड़े, नंबर थी 1 2 2, तो 2 वाड़ी तो अंदर आई गई, अने 3 तो 3 वाड़ी केवी जैसे सौथी बाहर। तो बाह्यतम कक्षा में केटला इलेक्ट्रॉन थया, 1 इलेक्ट्रॉन थयो छे। बराबर, तो आ शू करशे सोडियम, आ 1 इलेक्ट्रॉन गुमाई देशे અને કેવું બની જશે, સોડિયમ પ્લસ બની જશે। તો સોડિયમ છે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે અને કેવું બની જશે, સોડિયમ પ્લસ। ઓકે, તો આની હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થઈ ગઈ, 1s2 2s2 2p6, કારણ સોડિયમ પ્લસમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય, 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય, અને 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધો છે। ખબર પડી ગઈ આટલી વસ્તુમાં। તો આ છે તમારું અષ્ટકનો નિયમ। એ જ રીતે ક્લોરિન શું કરશે, હવે આપણે બતાવતા નહીં બધી વસ્તુ। બરાબર, ક્લોરિન શું કરશે, તો ક્લોરિનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને અષ્ટક પૂરું કરી દેશે। ખ્યાલ જો અહીંયા અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું, 6 2 8 થઈ ગયા, બાહ્યતમ કક્ષા ઉડી ગઈ, 1 ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયો। નોટ ડાઉન કરો ફટાફટ। હવે આપણે જોઈએ ફટાફટ, સંયોજકતા કોને કહેવાય, બાહ્યતમ કક્ષામાંથી ચલો સંયોજકતા કક્ષા કોને કહેવાય, તો બાહ્યતમ કક્ષા માંથી
जे इलेक्ट्रॉन मेळवे अथवा गुमावता मेळवाता अथवा गुमावता इलेक्ट्रॉननी संख्या बराबर अथवा भागीदारी करता समझवा माटे आटलू इनफ छे। मेळवाता अथवा गुमावता इलेक्ट्रॉननी संख्या एने शुं कहेवाय संयोजकता कहेवाय। अने संयोजकता इलेक्ट्रॉन कोने कहेवाय तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन एटले बाह्यतम कक्षामां रहेला इलेक्ट्रॉन। ओके बाह्यतम कक्षा में रहेला इलेक्ट्रॉन समझिए। चलो आपणे तो आवर्त लई लईए आपणे बीजो तो बीजा आवर्तनुं पहेलुं तत्व छे लिथियम पछी छे बेरिलियम। ओके पछी डायरेक्ट अहींया शुं आवशे डी ब्लॉक आवे तेरमा समूहमां जता रहीए तो शुं आवशे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन अने फ्लोरिन। चलो बराबर लख्यू छे बिल्कुल बराबर लख्यू छे। आ कयो समूह आवशे तेरमो आ कयो छे चौदमो समूह छे बतावता नहीं आपणे चलो ऊपर बताई दीए चौदमो पंदरमो सोळमो अने आ सत्तरमो समूह ने पछी कोण आवशे अठारमो समूह तो कोण छे निष्क्रिय वायुओ छे। चलो तो लिथियमनी बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन होय भाई बराबर लिथियम एटले शुं हाहેલી ત્રણ तो बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन आवशे एक। અહીંયા લખીએ છીએ આપણે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન કે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન તો એ જ રીતે બેરિલિયમમાં કયા આવો 1s2 2s1 કેટલા થઈ ગયા એક 1s2 2s2 કેટલા આવશે બે। ઓકે બોરોનમાં કેટલા આવશે ત્રણ બાહ્યતમ કક્ષામાં કાર્બનમાં કેટલા હોય ચાર नाइट्रोजन में 5 ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरिन में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर चलो बीजो कयो आवशे समूह हवे सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर और क्लोरिन। खेलाई गयो हवे आ बनावतो तमने आवडे छे काशी गए संत प्रभु बराबर शुं जोशो आवर्त कोष्टकनो लेक्चर चेप्टर नंबर 3 ना नपास सभी ओ स्टाइल से तेल पॉलिश आवा बधा आपणे ट्रीक आपेली छे बराबर। चलो तो ए बनावता आवडी जाय आपणे कोनी चर्चा करीए छे बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉन एटले संयोजकता इलेक्ट्रॉन कोने कहेवाय तो आ जे थई गया संयोजकता इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षामां रहेला इलेक्ट्रॉन। फॉर एक्जाम्पल नाइट्रोजन 5 छे 1s2 2s2 2p1 बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन एक नहीं બે પણ બાહ્યતમ કક્ષા આ બે પણ બાહ્યતમ કક્ષા ટોટલ કેટલા થઈ ગયા 2 અને 1 3। ઓકે તો બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે અહીંયા 1s2 2s2 2p કાર્બન નાઇટ્રોજન નંબર કયો છે 7 તો કેટલા આવશે 1s2 2s2 2p3। ઓકે તો ટોટલ કેટલા થઈ ગયા બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન 3 અને 2 5 થઈ ગયા ખ્યાલ આવી ગયો। ઓકે હવે આપણે જોવાનું છે શું संयोजकता कोने कहेवाय तो अहींया लखी दईए आपणे संयोजकता जेनी बाह्यतम कक्षामां बराबर एक बे के त्रण इलेक्ट्रॉन होय ए शुं करे सामे एक बे के त्रण इलेक्ट्रॉन आपी दे बराबर। एक होय तो एने 7 मेळववा पड़े तो ए 7 मेळवे नहीं 7 मेळववानुं केवुं पड़े मोंघुं पड़ी जाय ने एटले शुं करशे एक रिलीज करी दे ख्याल आई गयो। तो ए ज रीते एक बे के त्रण होय तो एने गुमाई दे अने 5 6 के 7 होय तो बाकीना जे खूटता होय मेळवी लेशे बराबर सिंपल वस्तु तो जोईए। तो जेनी जोड़े एक छे एवो लिथियम अने सोडियम शुं करशे एक इलेक्ट्रॉन गुमाई दे छे एटले एनी संयोजकता केटली थई जाय एक। बेरिलियम मेग्नेशियमनी बाह्यतम कक्षामां बे इलेक्ट्रॉन छे 8 करवा माटे बे गुमाई दे छे तो एनी संयोजकता थई जशे 2। बोरोन छे एल्युमिनियम छे बाह्यतम कक्षामां 3 इलेक्ट्रॉन छे 3 गुमाई देशे संयोजकता थई जशे 3। कार्बन सिलिकॉन कितला छे 4 तो ए शू करशे 4 गुमावशे पण नहीं के 4 मेळवशे पण नहीं ए शू करे छे भागीदारी करे छे बराबर एनी संयोजकता थाय छे 4। क्लियर सल्फर नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फरस एनी बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन छे NS2 NP3 એટલે કે 5 તો એ શું કરશે 5 ગુમાવશે ના 3 મેળવવા ઈઝી છે તો 3 મેળવી લેશે સંયોજકતા થશે 3।
ऑक्सिजन सल्फर छ बे मेड़ी लेशे आठ थी गया। फ्लोरिन और क्लोरिन की बाह्यतम कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है एक मेड़ी लेशे थी जैसे के आठ। फॉर एक्जाम्पल बताव हो क्लोरिनो परमाणु क्रमांक 17 इलेक्ट्रॉन रचना शू आए नियोन 3s2 3p5 बाह्यतम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन के 5 ने 2 7 7 है तो ये शू करते एक इलेक्ट्रॉन गुमावशे सॉरी मेड़वशे अने शू करशे 8 बनाई देशे। चलो पड़ी गई खबर। तो आ थी गई बधी संयोजकता अने आ थी गया बधा बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो बे टॉपिक विषे आपणे एकदम डिटेल में चर्चा करी। एक हतो अष्टकनो नियम अने बीजू छे शू संयोजकता इलेक्ट्रॉन एटले शू अने संयोजकता एटले शू बराबर। तो हवे आपणे जोईशुं लुईस डॉट स्ट्रक्चरना केटलाक नियमों अने पछी एना एक्जाम्पल सॉल्व करवानो ट्राय करीशुं। ओके तो आजना लेक्चर में ख्याल आई गयो हशे। ओके कीप लर्निंग कीप प्रेक्टिसिंग। बाय बाय।